इस बार शारदीय नवरात्र में प्रयागराज के अशोक नगर में दुर्गा पूजा का पंडाल एक अनोखी थीम पर सजाया जा रहा है, जो तालिबान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष को दर्शाएगा। यह पंडाल शहर के लोगों के लिए एक नया आकर्षण बनेगा। विशेष रूप से कोलकाता के 12 कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किया जा रहा यह पंडाल, जिसमें फाइटर प्लेन और टैंक की गर्जना के साथ साथ युद्ध के दृश्य दर्शाए जाएंगे। ये अफगानिस्तान तालिबान को जो युद्ध हुआ है, उसी की हम लोग आर्ट पेश कर रहे हैं, नमूना पेश कर रहे हैं। इसमें टैंक है, एम्बुलेंस है, रॉकेट है और रेलगाड़ी चलेगी, जिससे कि हमारे वो मिलिट्री के जवान उतरेंगे और वो आपके फायर ब्रिगेड के भी सब कुछ रहेगा इसके अंदर। कितनी देर का ये रहेगा? कम से कम 10 से 15 मिनट, क्योंकि ज़्यादा समय लेंगे तो यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पहाड़ को बनाने बांस, बल्ली, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जूट और रुई, इसका प्रयोग हुआ इसके अंदर। ये प्राकृतिक है, प्रकृति को हम लोग नुकसान नहीं करना चाहते। कितने सेंटीमीटर में बना है ये? लगभग आप 70 से 75 फुट चौड़ा और 30 फीट ऊंचा। ये थीम क्यों दिमाग में आई, क्या दिखाना चाह रहे थे लोगों के पास? हम लोग तो दिखाना चाह रहे राम मंदिर, लेकिन पार्टी ने जो पसंद किया उसी पे जाएंगे ना। पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की 12 फीट ऊंची प्रतिमा के साथ साथ 42 फीट ऊंचा यह पंडाल श्रद्धालुओं को एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। पंडाल को सजाने के लिए जूट से तैयार किया जा रहा है और इसके मुख्य द्वार को नारियल के छिलके से बनाया गया है। इस बार श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट उपयोग किया गया है, जहां ऑटोमेटिक एरोप्लेन का उड़ना और टैंकों का हमला देखने को मिलेगा। पंडाल को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा और यहां लोगों के लिए विभिन्न द्वारों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके। इसके निर्माण में लगभग 12 लाख रुपए की लागत आई है, जो इस क्षेत्र में इस नवरात्र को एक नया आयाम देने का प्रयास है। दुर्गा पूजा कमेटी ने हर वर्ष नई थीम के तहत पंडाल सजाने की परंपरा को बनाए रखा है और इस वर्ष की विशेष थीम ने शहर के लोगों में खासा उत्साह पैदा कर दिया है। हम लोग यहाँ तालिबान अफगानिस्तान का जो युद्ध होता है, वही हम थीम लेके आए हैं। हम आए हैं आर्या होगा, जो युद्ध होने से जो जो तरीका जो जो चीज लगता है, टैंक रहेगा, आर्मी रहेगा, फिर या का फायर ब्रिगेड रहेगा, कमान रहेगा, तोप रहेगा, सब कुछ ये सब होगा। छोटा छोटा घर जैसा होता है, तोप जाके गिरा उसको आग लग जाता है, ऐसे ऐसा सब मिला जुला के प्लेन लैंड करेगी, हेलीकॉप्टर चलेगी, सब मिलजुल के हम लोग एक थीम बनाया, तालिबान अफगानिस्तान का युद्ध। तो कितने मिनट का होगा? एक एक 115 मिनट का हो, मतलब चलेगी, 100 बंद हो जाएगी, फिर आदमी लोग पूजा मंडप को माँ को दर्शन करके बाहर निकल जाएगा, आबार फिर आप 10 आएंगे, ऐसा ऐसा करके हम लोग थीम चलाएंगे। ये लाइट एंड साउंड के द्वारा रहेगा? लाइट एंड साउंड के द्वारा ये रहेगा? हाँ, मैकेनिकल सब चीज मैकेनिकल का होगा, मोटर से चलेगा। तैयार किए जा रहे हैं, हम लोग एक महीने से ज्यादा हो गया आया है, हम लोग 12 आदमी 13 आदमी था, फिर हम लोग का काम 80% हो गया, 90% हो गया, इसीलिए हम लोग आदमी को सब छोड़ दिया, 5 आदमी इधर आए। कितनी लागत कर, मतलब कितना लगा होगा लागत? हाँ लगा तो मान कितने के पैंडल? 12 लाख का तो होगा। 12 लाख का पैंडल। अशोक नगर का यह पंडाल न केवल धार्मिकता का प्रतीक होगा, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करेगा, जिससे श्रद्धालु युद्ध की भयावहता का अनुभव कर सकेंगे। इस बार का पंडाल निश्चित रूप से नवरात्र की धूमधाम में एक नई और अविस्मरणीय छाप छोड़ेगा।